इको रेजोनेंस, अलग तरह का रेजोनेंस जो पहले हमने पढ़ा था पाई पाई उससे अलग है, और वो है पाई बॉन्ड वर्सेस कार्बोकेटायन। तो लिखिए सेकंड टाइप रेजोनेंस, पाई बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड वर्सेस कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अपने आप में क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल लगता है, यस और नो? पहले कार्बोकेटायन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। कार्बोकेटायन होता क्या है? कार्बोकेटायन ये है कार्बोकेटायन, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, पूरा ट्राइगोनल प्लेनर है, प्लस है। इसका मतलब कार्बन प्लस में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? सिर्फ तीन, तीनों ने वैलेंसी कर दी और ट्राइगोनल प्लेनर बना चुका है। तो ये तो बोरोन बन चुका है, एम्प्टी ऑर्बिटल साथ में, बिल्कुल वैसे बिल्कुल। तो कोई कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कार्बोकेटायन वर्सेस पाई बॉन्ड, तो ये अपने आप में क्या है? और दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसका ऑर्बिटल क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, भिखारी है इस जगह। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चीज फील आ रही है, ये पाई बॉन्ड जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब आधा अंदर आधा बाहर, तो ये परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन। ऑफ प्लेन, समझ में आ रहा है? तो आप इस कार्बोकेटायन को ऐसे भी बताते तो ज्यादा अच्छा फील आता, कि कार्बन 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 कार्बन, और इसको इस तरह से शो करते, अब आपको फील आएगा कार्बोकेटायन का और ज्यादा अच्छा, कि आधा ऊपर आधा नीचे, और ये हमारा प्लेन इस तरह से है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, कार्बोकेटायन के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ गई, और पाई बॉन्ड तो आपको पहले से बहुत अच्छी सी नॉलेज है। पाई बॉन्ड का मतलब आपके पास ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच भी है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। कैसे? अगर इसे देना पड़ जाएगा, इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये पाई बॉन्ड पूरी तरह से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये माइनस, फिर ये किसी की भी मदद कर सकता है। और अगर इसको लेना है, तो ये पूरा पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होकर यहाँ प्लस, और फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन इस पॉइंट पे तो हमेशा ये क्या बनेगा, इस ऊपर से, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कार्बोकेटायन कार्बो एनायन के साथ भी रिएक्शन करेगा, सॉरी पाई बॉन्ड कार्बोकेटायन के साथ भी करेगा और कार्बो एनायन के साथ भी करेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं किसके साथ रेजोनेंस देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड वर्सेस कार्बोकेटायन। तो शुरू करते हैं पाई बॉन्ड वर्सेस कार्बोकेटायन का फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे चलेगा हमारे। ये मैंने बहुत इजी लिया है, यहां प्लस यहां दिस, समझ में आ रहा है? तो आपके लिए इंटरमीडिएट क्या बनेगा? यहां दो इलेक्ट्रॉन है, एक तरह से इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों यहां शिफ्ट कर दो एक सेकंड के लिए। तो आप ये प्लस ये माइनस, और यहां पर क्या रहेगा आपके? प्लस, बोलो हाँ या ना? पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन कहां कर दिए? इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिए, कोई दिक्कत? अब प्लस और माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये वाला बन गया। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट शो कर सकता हूं? डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। कैसे? इसको डायरेक्ट बनाने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बीच वाली स्टेप खा जाएंगे और इसको एरो से समझाएंगे फिर, कि ये वाला इस तरफ गया। पाई बॉन्ड यानी हम एरो किसके लिए बना रहे हैं? मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। पॉजिटिव चार्ज तो अपने हिसाब से आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, तो हमारे लिए ये अपने आप इसका लॉस हो रहा है, तो इस पे प्लस आएगा। हम कभी भी कोई एरो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं बताते, हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। ये तो हमेशा के लिए नोट अपने दिमाग में डाल के रखना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है? तो ये हमारे लिए पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो गया। बोलो यस, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या और भी बन सकता था? हाँ, मान लीजिए ये कॉन्जुगेशन में होता, ये इस तरह से होता, तो क्या होता इसका? पहले हम ये मानते हैं कि ये वाला मूवमेंट हमारे को देखने को मिल रहा है, ये इस तरफ गया, तो हमारे को जो पहली स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी,
अब ये दूसरे स्टेप में ये इस तरफ गया तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। तो फाइनली हमारा हाइब्रिड क्या होगा इसमें, डॉटेड 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 डॉटेड, और ये प्लस कभी यहां कभी यहां कभी यहां, यहां पर भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगी, डॉटेड 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 डॉटेड, कभी यहां कभी यहां। अब मैं प्लस डेल्टा लिख रहा हूं क्योंकि पार्शियली मेरे को शो करना है। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना ली, हमने दो एग्जाम्पल करे हैं और दोनों ही एग्जाम्पल हमारे लिए रेजोनेटिंग सॉरी हाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम बना ही रहे हैं रेजोनेंस से। आपको क्या लग रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहा हूं, पहला मैं हमेशा मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड बताता हूं यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। आपके पास देखो आप जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बगल वाले कार्बन पे नहीं जा रहा, सीधा कहां जा रहा है अल्टरनेट पोजिशन पे, समझ में आ रहा है। यानी जब इस तरह का रेजोनेंस होगा तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होंगे कि पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ वी शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड बाय कर्व एरो, कर्व एरो, वी डू नॉट शो, वी डू नॉट शो पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो अपने आप होगा, वी डू नॉट शो द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय कर्व एरो। ये हमारा पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इन अबाउट रेजोनेंस, अबाउट टाइप रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज मूव्स, मूव तो करता है, ऐसा नहीं है कि हम मूव नहीं करता, लेकिन हम उसे शो नहीं कर रहे होते कर्व एरो से, हम उसे सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहां से कहां जा रहा है। मूव्स ऑन अल्टरनेट पोजीशंस, ऑन अल्टरनेट पोजीशंस। तो हम इन दोनों का यूज करते हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक और एग्जांपल, ड्रॉ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग। देखिए अगर हमसे ये कहा जा रहा है इसकी रेजोनेटिंग और हाइब्रिड बनाइए, तो पहले आप सामने देख लो मेरे साथ, फिर एक साथ लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, आप किसके मूवमेंट को देख बताते हैं, पाई बॉन्ड बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये बता दिया। तो आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि अब पाई बॉन्ड यहां चला गया तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा आपका, इस जगह अल्टरनेट पोजीशन में, इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये है, यहां आ गया, बोलो आया या नहीं आया। अब क्या कहां जाएगा ये पाई बॉन्ड, ये वाला आपके पास इस तरफ शो करोगे बस, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां, तो ये आपका पाई बॉन्ड यहां आ गया, तो उससे आपको पॉजिटिव चार्ज आपका जो जा रहा है वो यहां जा रहा है, सही है। उसके बाद ये पाई बॉन्ड यहां आया, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा,
तो अल्टरनेट पोजीशन में फिर यहां जाएगा, तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? आप बहुत आसानी से बोलते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों कार्बन पे एक एक बार आएगा तो कितनी स्ट्रक्चर बनेगी? सात, पांच होते पांच, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? एक। तो आप बड़े प्यार से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये रहा, ये आपके पास प्लस अब यहां आ गया। अगली बार आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अब आप लिखना शुरू कर दो अपने से, ये यहां चलेगा तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे ये इस तरफ गया, सॉरी ये यहां से, हाँ ये तो हम करना ही नहीं है, ये हम इस तरफ लेके आए। प्लस हमारा यहां आएगा, फिर हम इसको वापस इसको इस तरफ लाएंगे, प्लस इस तरफ आएगा। फिर हम इस तरफ लेके आएंगे, प्लस इस तरफ, और वापस हम यहां आएंगे तो हमारा वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये जैसे इधर आया आपकी हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही बनेगी जहां से स्टार्ट कर रहे थे। तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, कैसा देखने को मिलेगा आपको? सब जगह डॉटेड करते हुए आप प्लस बीच में भी लगा सकते हैं। तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? सेवन, और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो होती भी एक ही है, तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी ही है आप चाहो तो प्लस बीच में भी लिख सकते हो, हर एक पे अलग अलग लिखने से अच्छा है प्लस डेल्टा, क्योंकि हर कार्बन पे बराबर है, तो ये आप पूरा गोला बना के बीच में लिख सकते हो। हाँ बेटा, ये वाला ये हाइब्रिड देखो, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, हर जगह मिल रहा है ना प्लस, देख लो सातों में अलग अलग मिल रहा है, तो सब पे प्लस डेल्टा लिखने से अच्छा है डॉटेड बना के बीच में प्लस लिख दो, क्योंकि यहां पर सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हर जगह कितना चार्ज होगा? प्लस 1/7, प्लस 1/7, तो प्लस 1/7, प्लस 1/7, प्लस 1/7 करके आपके पास क्या आ जाएगा? हर जगह डेल्टा लिखने से अच्छा है आपने बीच में डेल्टा लिख दिया या प्लस वन लिख दिया सबको समेशन का, तो डॉटेड करके आप लिख सकते हो इस जगह। तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो इस जगह हमारे पास ऐसा है, देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना और बहुत आसान है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी मैंने ये बनाई, ये पाई बॉन्ड को मैं यहां ले गया, एक यहां प्लस आ गया, बहुत इजी वे में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पाई बॉन्ड आपका यहां मूव कर गया, तो यहां मूव करते ही ये आपके पास प्लस यहां आ गया, फिर ये वाला यहां मूव कर गया, तो आपके पास पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा? इस जगह और प्लस यहां। नेक्स्ट ये आपके पास यहां मुंह कर गया, तो आपके पास यहां मुंह करते ही ये प्लस, अब आपके पास
जैसे ही यहां पर आया ये इस तरफ मूव करा, ये मूव करते ही हमारे पास यहां आया और प्लस यहां आ गया। बोलो हाँ या ना। तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि जैसे ही ये मूव करा तो हमारे पास प्लस जहां से चालू हुआ था वहीं आ गया। तो आप कुल मिला के हमारी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, 1 2 3 4 5, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 5 है, तो ये तो उसके आइडेंटिकल है। तो आप चाहें तो एरो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अब बताइए इस पोजीशन में हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगी। आपको भी समझ में आ गया होगा कि यहां हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अब हमारे को हर जगह प्लस डेल्टा दिख रहा है, तो प्लस 1/5, प्लस 1/5, प्लस 1/5, जो वो हमारा प्लस चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सही है। तो हर जगह प्लस 1/5 आपको देखने को मिलेगा। तो जब यहां दिख रहा है तो या तो आप पूरा रोटेट बना के प्लस 1 अंदर रख दो, कोई डाउट नहीं है। यहां आपको हाइब्रिड बन चुका है, यहां आपको अब रेजोनेटिंग बनाना है। ये आप इस तरफ लेके गए, प्लस चार्ज आपके पास यहां आया और यहां आ गया, ये इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब ये वाला इस तरफ चला गया, तो प्लस यहां और यहां, अब ये यहां चला गया, प्लस प्लस, और फिर उसके बाद देखा जाए तो अब हर जगह आ चुका है, दिस 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 दिस। अब इसके बाद अगर ये यहां जाता है तो इसकी स्ट्रक्चर यही बनेगी। तो इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, डॉट इट सब जगह हो रहा है और मैं प्लस 2 लगा दूंगा क्योंकि टोटल प्लस 2 चार्ज है, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे लिए हाइब्रिड हो गया प्लस 2, या तो इस तरह से बना लो या प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आप लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो कोई कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है हमारे को किस चीज में, हाइब्रिड बनाने में। हाइब्रिड तो अब हम बिना ज्यादा दिमाग लगाए भी बना सकते हैं, ये दो पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे हम तो हमारे लिए हर चीज बहुत आसान होगी। चलिए इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए अगर हम डायरेक्ट हाइब्रिड बनाने पे मेहनत करें तो कैसे बनेगा देखते हैं। डायरेक्ट हाइब्रिड बनाने में अगर हम मेहनत करते हैं तो कैसे होगा, और हमारा एग्जाम्पल है फाइंड हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग। तो देखते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे बनाएंगे अपन, फर्स्ट आपको इनके हाइब्रिड बनाने। इनके आपको हाइब्रिड मेरे साथ साथ बनाने हैं।
तो क्या आप इनके हाइब्रिड बना सकते हैं जल्दी से? देखिए, पहले वाले का हाइब्रिड बनाना आपके लिए बहुत इजी था क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिड्स हैं, वो सारे कार्बन sp या sp2 हाइब्रिड्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड हो, और वहां से डॉटेड करना शुरू करो आप पूरे को प्लस। ध्यान से सुनना, प्लस चार्ज कहां जाएगा? अल्टरनेट पोजीशन पर जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसकी अल्टरनेट पोजीशन कौन सी है? ये। अब इसको प्लस डेल्टा कर दो। फिर इसकी अल्टरनेट पोजीशन कौन सी है? ये। फिर इसकी अल्टरनेट पोजीशन कौन सी है? ये। इसकी अल्टरनेट पोजीशन या तो ये या ये, तो पूरा वो अल्टरनेट में रहेगा, इस जगह नहीं दिखाई देगा आपको। तो आप गोला बना के यहां प्लस वन नहीं लिख सकते। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कोई 5 कार्बन या 7 कार्बन होता है ना, तो अल्टरनेट करते करते फिर पूरा हो जाता है, लेकिन इवन नंबर में ऐसा नहीं होता। इवन में हमेशा अल्टरनेट अल्टरनेट ही बनी रहेगी, समझ में? ऑड में ऐसा हो सकता है कि अल्टरनेट बाद में चेंजेस हो जाती है। चलिए देखिए, यहां पर इसका अगर आप हाइब्रिड बना रहे हैं तो किस तरह से होगा? डॉटेड डॉटेड डॉटेड, यहां पर ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसकी अल्टरनेट पोजीशन प्लस डेल्टा, फिर यहां प्लस डेल्टा, फिर यहां प्लस डेल्टा, फिर यहां प्लस डेल्टा। समझ में आ रहा है? इसके लिए आपके लिए यहां पर एक और एग्जांपल देखिए। ये कंटिन्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डॉटेड 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 डॉटेड, पहले तो डॉटेड कर दो आप। अब प्लस डेल्टा यहां, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहां, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहां, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहां, इस जगह नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? हाइब्रिड बनाते वक्त अल्टरनेट पोजीशन का विशेष ध्यान रखेंगे हम। देखिए, यहां पर हम अगर बना रहे तो पहले तो डॉटेड बना दो क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिड्स हैं, sp3 को मत लेना। अब प्लस डेल्टा कहां कहां लिखा जाएगा? प्लस डेल्टा यहां, प्लस डेल्टा यहां, अल्टरनेट पोजीशन, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहां, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहां, सही है? यहां आपको बनाना है। तो आपके लिए इसके लिए अल्टरनेट ये भी है, और इसके लिए अल्टरनेट ये भी है, इसके लिए अल्टरनेट यहां है, इसके लिए अल्टरनेट यहां है, और इसकी अल्टरनेट वापस बैक टू पेवेलियन पहुंच गया। तो ये आपके लिए हाइब्रिड बनाना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि यहां प्लस है तो पहले तो आप डॉटेड देख लो यहां, इसके लिए प्लस डेल्टा। अब दिक्कत क्या आ रही है कि इसके लिए देखते हैं हम, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन का आंसर, सब ध्यान से देखेंगे। यहां से इसकी अल्टरनेट पोजीशन कौन सी होगी? ये। और इसकी अल्टरनेट पोजीशन कौन सी होगी? ये। ठीक है, इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहां आएगी, क्या ये होगी? नहीं। लेकिन इसके लिए अल्टरनेट पोजीशन कौन सी होगी? इसके लिए यहां, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए अल्टरनेट पोजीशन कहां होगी? यहां। तो ऐसी कौन सी दो पोजीशन है जहां पर प्लस डेल्टा चार्ज नहीं दिखाई दे रहा? एक तो ये और एक ये। समझ में आ रही है बात? इसके लिए अल्टरनेट पोजीशन ये वाली है, यहां पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट चाहिए, यहां पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट नहीं है। वैसे आपका ये कहना सही है कि लेकिन ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, इसके साथ पाई बॉन्ड के साथ है। कुछ समझ में आई बात लॉजिकली? तो ये बहुत प्यारा है, इसीलिए मैंने आपको रोका है कि यहां ध्यान दीजिए। कुछ समझ में आया? यस, बस खत्म बात।
तो अल्टरनेट का मतलब पाई बॉन्ड के साथ, कॉन्जुगेशन के साथ, जैसे मूवमेंट हो सके। इधर भी देखिए एक बार, अब साथ ही देख लीजिए, जब आप डॉटेड बनाएंगे यहां पर, तो यहां सारे sp2 है। अब देखिए प्लस डेल्टा यहां पर, इसकी अल्टरनेट पोजीशन प्लस डेल्टा यहां पर, इसकी अल्टरनेट पोजीशन प्लस डेल्टा यहां पर, फिर उसके बाद हमारे लिए यहां पर आया था, ये यहां गया तो अल्टरनेट पोजीशन इसकी यहां। तो इसमें तीन पोजीशन ऐसी है जहां प्लस डेल्टा चार्ज नहीं आ रहा है, 1, 2, 3, और चार ऐसी जगह है जहां प्लस डेल्टा आ रहा है, 1, 2, 3, 4। सही है, पूछो कुछ भी पूछना है, पूछना है कुछ। अब देखो हमारे पास पहले तो देखना है कि रेजोनेंस कहां तक है, टिल दिस पॉइंट तक, ये sp3, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सही है, अगर इसके बाद भी कोई पाई बॉन्ड होता तो कर जाता, लेकिन नहीं दिया है तो फिर नहीं दिया है। और अगर इसके बाद इस तरह से होता तो भी उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि बीच में sp3 आ चुका है, तो उसको भूल जाओ, बस यहीं तक शो करो। अब बताओ कि ये जो प्लस डेल्टा है, अगर यहां तो रहेगा ही रहेगा, इसकी अल्टरनेट पोजीशन कौन सी होगी, ये, और इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये या फिर ये, पक्का। तो यहां हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में इसके साथ है वो। क्या ये प्लस डेल्टा इसके साथ कॉन्जुगेशन में, हाँ। क्या ये प्लस जो चार्ज है इसके साथ कॉन्जुगेशन में, नहीं, देखो इसके साथ नहीं है। ये रेजोनेंस इस तरह से है, वो अलग रेजोनेंस आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने डॉटेड तो हर जगह लगाया, लेकिन प्लस चार्ज मैंने यहां पर्टिकुलर ही पॉइंट पर लगाया, यानी मैं प्लस चार्ज को अल्टरनेट पोजीशन में वहीं ले जाता हूं जहां पर पाई बॉन्ड भी हो साथ के साथ कॉन्जुगेशन में। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग दिस कंपाउंड, और ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। लिखो इसको। इससे अलावा भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल थे, जैसे 9th आप डायरेक्ट बनाते प्लस डेल्टा। अब समझना, इसकी अल्टरनेट पोजीशन आपने बड़े प्यार से बना लिया, ये ऑड कार्बन वाले हैं। अब आप देखिए इस जगह इसकी अल्टरनेट पोजीशन कौन सी है, ये, इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये, और फिर ये इसके साथ भी रेजोनेंस में ये, फिर इसकी ये, इसलिए पांचों पे आ गए थे, पक्का। 10th एक और एग्जांपल ले सकते थे, यहां पर प्लस है। अब देखिएगा, आप मान के चलिए इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये, फिर इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये, क्योंकि कॉन्जुगेशन में ये कंटिन्यू है। और अगर आपको लग रहा है तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, लेकिन मैं अभी आपको सीधा हाइब्रिड, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं आपके लिए। और यहां पर क्या लगाऊंगा, मैं पूरा घोला बना के प्लस वन लिख दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सब जगह कॉन्जुगेशन है। इसकी अल्टरनेट पोजिशन ये, आप चाहो तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। सॉल्यूशन 10 बनाइए, बनाना शुरू कर दो। ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो प्लस कहां आएगा, यहां। फिर ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, बस तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 1, 2, 3, और ये तो वही बन गया। ये इधर गया तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, इस जगह। तो हर कार्बन पे प्लस आ सकता है इस जगह। तो देखिए ये और ये तो आइडेंटिकल है, 1, 2, 3, और उससे आपका ये हाइब्रिड बन रहा है। आ गई बात समझ में, बनाए इसको।
देखो आपने इसे पूछा कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिक्स नंबर वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो सबसे पहले आप किसको मूव कराओगे? ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन में तो यही है यार, तो ये यहां गया तो प्लस यहां आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? कॉन्जुगेशन में इस प्लस चार्ज के साथ कौन है? इस प्लस के साथ ये, ठीक है, ये यहां गया प्लस मैंने यहां लगा दिया अल्टरनेट पोजिशन, पक्का। फिर यहां गया इसके साथ, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? अब पॉजिटिव चार्ज आपका यहां जाएगा, बाकी एज इट इज चल रहा है। ये तो रहा आपका इस तरफ से, वापिस बैक पहुंच गया पेवेलियन अपने जैसे आप बनाया था, जिस रास्ते से आया था वैसे ही चला गया, और हमारे पास यहां प्लस आ गया। अब इसके बाद आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो वापस वैसे ही पहुंच जाएगा, और कोई साधन तो रहेगा नहीं हमारा, ठीक है ना? तो ये हमारे पास जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे वापस पहुंच गया, बीच में और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या होगा? इस बार ये वाला इसके साथ कॉन्जुगेशन में करेगा, तो यहां प्लस आएगा, यानी ये इस तरफ आ रहा है और आपके पास एक यहां पर भी पाइप बॉन्ड है, फिर ये इस तरफ आएगा, तो अब आपको प्लस चार्ज यहां दिखाई देगा। इसके अलावा आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, तो टोटल कितनी बनी? 1 2 3 4 5, सही है? वो ये हमारे पास बन रहा है 1 2 3 4 5, जो भी है। अब अगर मुझसे कहा जा रहा है कि इसका हाइब्रिड बनाओ, तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं, पाइप बॉन्ड मेरे को हर जगह दिखाई दे रहा है, हर पोजीशन पे, तो मैंने डॉटेड 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 ये तो ले लिया मैंने, और अब प्लस डेल्टा। मैं यही बोल रहा था पहले, तो चलो मैं पुरानी अप्रोच से बनाता हूं अल्टरनेट, इसकी अल्टरनेट ये रही और इसकी अल्टरनेट, इसकी अल्टरनेट यहां थी, ठीक है। अब आगे जाने नहीं से रहा, इससे स्टार्ट करते हैं प्लस डेल्टा, इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये रही और इसकी अल्टरनेट पोजीशन ये रही, समझ में आ रहा है? अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लो, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस डेल्टा आपको इस जगह दिखाई दे रहा है क्या? प्लस चार्ज इस जगह मिल रहा है क्या? इस कार्बन पे यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा। इसका मतलब हमारी डायरेक्ट अप्रोच भी बहुत फास्ट है, कोई डाउट नहीं है? तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो हमने डायरेक्ट बनाना सीखा है। और अगर हमसे कोई पूछ ले हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हियर, तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं इजी वे में। लिखें इसको। अब इसी के साथ एक और नया रेजोनेंस,